आज के समय पे कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसको पैसे की कमी नहीं पता? सबको पता है, शायद यही कारण है कि आज ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आज आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि घर बैठे पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं, तो आज बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि पैसे कैसे कमाएं, मैं ये बताने वाला हूं कि आखिर कौन से ऐसे स्किल्स हैं या फिर कौन से ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको आ जाए तो ये परफेक्ट समय होगा जहां पे आप घर बैठे कर सकते एक अच्छी अर्निंग। आज के समय में दोस्तों अर्निंग की रेस नहीं लगी हुई है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्निंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन पहले कर लेता है रेस इसकी लगी हुई है। तो क्या आप पहले कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स है, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स है जो कि आपको लेनी बहुत जरूरी हो जाती है, और इसीलिए आज की वीडियो भी बना रहा हूं। आज बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ऐसे 6 स्किल्स की जो कि कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग और आपकी लर्निंग से आपकी अर्निंग को इंप्रूव कर जाएगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो कि घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, तो छोड़िएगा मत इस वीडियो को। और लास्ट में लास्ट वाला फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है, लास्ट वाला फॉर्मूला जरूर देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने सबर किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। दोस्तों आज जिन स्किल्स की मैं बात करने वाला हूं, बड़ा ही एक्साइटेड हूं क्योंकि ये जबरदस्त स्किल है और 21st सेंचुरी में ये तो लगभग सभी को आनी चाहिए। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिएगा, मेरी पहली स्किल वो है डिजिटल मार्केटिंग की। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है भाई, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे करेंगे या फिर क्या होती है ये डिजिटल मार्केटिंग। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो कुछ नहीं है, जस्ट आप जो करते हैं डेली लाइफ में, अपनी सेल्फी पोस्ट, अपने फोटोज पोस्ट करते हैं, ज्यादा लाइक्स मिल जाए, ज्यादा व्यूज मिल जाए, यही आपको दूसरे के लिए करनी होती है। मतलब किसी कंपनी, किसी पर्सन को आप वायरल करते हैं अपने स्किल्स के जरिए, अपनी टेक्निकल स्किल्स के जरिए, जो है डिजिटल मार्केटिंग स्किल। कहीं ना कहीं आप उसके फोटोज को, उसकी मार्केटिंग को, उसके ब्रांड को आगे बढ़ाते हैं और जिससे वो आपको देता है एक अच्छी खासी रकम, क्योंकि ये सबको आती नहीं है और आजकल के स्टूडेंट तो माहिर हैं भाई इसमें। तो जिन लोगों को भी सोशल मीडिया पे वक्त बिताना, सोशल मीडिया से काम करना बहुत पसंद है, वो अब उस काम का सदुपयोग कीजिए और अपनी अर्निंग के लिए एक अच्छा तरीका खोजिए। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा सेकंड फॉर्मूला है कोडिंग स्किल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज के समय पे एंड्रॉइड एंड टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि हर कैंडिडेट कोडिंग की बात कर रहा है। मतलब वेबसाइट डिजाइन करना, एप्लीकेशन डिजाइन करना, इनकी नीड भी बढ़ गई है। जब से कोरोना एंड लॉकडाउन आया है तब से बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन जाने के कारण उनको वेबसाइट चाहिए, उनको एप्लीकेशंस चाहिए, जिसमें कौन हेल्प करेगा? आप हेल्प करेंगे। आप घर बैठे उनके लिए अपने स्किल्स के जरिए वेबसाइट डिजाइन करके उनको दे सकते हैं और एक अच्छा एप्लीकेशन डिजाइन करके दे सकते हैं। तो ये ऐसा स्किल है जो कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अर्निंग करा देगा घर बैठे, और साथ में आपकी लर्निंग तो बढ़ ही रही है। तीसरी स्किल की बात करूंगा, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही जबरदस्त है, वो है भाई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग। बहुत चल रहा है, खास करके लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। जितनी भी फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा इसका यूज कर रही हैं, वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज करके किसी भी कैंडिडेट के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दैट इज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग, ऑनलाइन सेल होता है। अगर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, अगर आपका नेम फेम है, एक अच्छा खासा मार्केट आप कैप्चर करके रखे हुए हैं, सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि आप थर्ड पार्टी कोई भी कंपनी को बोले कि भाई आपका प्रोडक्ट सेल करने में मैं हेल्प कर सकता हूं, लेकिन कितना परसेंट कमीशन आप मुझे देंगे मेरी पर सेल पे। तो ये आप डील कर सकते हैं अपने आसपास कोई भी ऐसी कंपनी हो, जैसे कि कपड़े का शोरूम हो, शूज का हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप सेल कर सकते हैं। तो अपनी इस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग स्किल के जरिए आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को घर बैठे सेल कीजिए और कमीशन अर्न कर सकते हैं। अपनी नॉलेज के साथ साथ अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। गाइस, जब बात हो गई भाई सेल्स की, तो कैसे पीछे हट सकते हैं हम? सेल्स के लिए दिमाग और सेल्स के लिए बहुत सारे फंडे आपको वैसे भी बताते रहता हूं। तो बात करूंगा आज के चौथे स्किल्स की, जहां पे आपको प्रोडक्ट सेलिंग करनी होगी। तो प्रोडक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्स स्किल। दुनिया में अगर कोई एकमात्र ऐसा हथियार है जिसको चला के आप अपनी मुंह मांगी रकम कमा सकते हैं, वो है हथियार सेल्स का।
इंसान दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, अगर वो सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी करता हो, उसे कुछ आए या ना आए एक चीज जरूर आना चाहिए, वो है बेचना। कई बार इंसान को खुद को बेचकर पैसे कमाने पड़ते हैं। खुद को बेचने का मतलब ये नहीं है खुद को सेल करना, खुद को बेचने का मतलब ये है कि अपनी आइडियाज को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी पर्सनैलिटी को सेल करना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है हु यू आर एंड व्हाई पीपल कनेक्ट विथ यू। तो ये जब आप उसको बता देते हैं अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, अपने खुद के सेलिंग स्किल के माध्यम से, तो वो कैंडिडेट आपसे कनेक्ट कर जाता है। तो दुनिया में एकमात्र ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है सेलिंग स्किल, ये जरूर आपके अंदर होना चाहिए। ये आती है लर्निंग से गाइस, इस पे बहुत काम करना पड़ता है। आपको लैंग्वेज के लिए काम करना पड़ेगा, आपको नॉलेज के लिए काम करना पड़ेगा, आपको आइडियाज के ऊपर काम करना पड़ता है। मेरा बिजनेस जो अभी स्टार्ट किया मैंने इसी से रिलेटेड है। वैसे तो मैंने सेल्स पे काफी सारे वीडियो बनाए, जैसे कि कस्टमर कॉलिंग कैसे करें, ये मेरा एक वीडियो था, बहुत ही जबरदस्त, इसमें आपका प्यार मिला। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए ही तो आप मेरे इस चैनल पे आते हैं। तो सेलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर और डीप में जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने एक लिंक भी दी हुई है, आप जाके वहां पे अपना फॉर्म फिल कीजिए सेलिंग स्किल के बारे में, या फिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है सेलिंग स्किल। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, कहीं पे भी जॉब करना चाहता है, तो उसके अंदर ये टैलेंट जरूर होना चाहिए। इस टैलेंट के ऊपर अगर ब्रीफ में जाना चाहते हैं तो उस लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आपके लिए। बात करता हूं आज के पांचवे स्किल की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवे स्किल की मैं बात करता हूं, पांचवा स्किल मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर इंसान को पांचवी स्किल आ जाए ना, जो आज मैं बताने वाला हूं, तो कुछ भी हासिल कर सकता है, किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। जी हां, आज मैं पांचवे स्किल के जरिए आपको सम्मोहन की एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जो कि आपने अक्सर सुनी होगी लेकिन कभी गौर नहीं की होगी, वो है स्पीकिंग स्किल। जी हाँ, हम सब बोलना तो सभी जानते हैं लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से, सही जगह पर बोलना बहुत कम लोगों को आता है। और जी हाँ, इसी बोलने को मैं सिखाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। कौन सा शब्द आपको देगा एक अलग तरक्की, या फिर कौन सा रास्ता, कौन सी वैल्यूज, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि आपके लिए बन जाता है बहुत जरूरी सेलिंग स्किल में, और इवन दुनिया की किसी भी स्किल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्पीकिंग स्किल। क्योंकि आप जितना बढ़िया बोल लेते हैं, जितना बढ़िया अपने कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो आपके लिए एक जबरदस्त ऑप्शन बन जाता है कि आपको कोई भी हायर करेगा या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। काफी लोग तो स्पीकिंग स्किल से ही घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। कैसे? टेलीकॉलिंग की जॉब करके, काउंसलिंग्स की जॉब करके, इवन बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है उन सारे जॉब को करके। स्पीकिंग स्किल सिर्फ उनके अंदर बोलने की क्षमता है, अच्छा बोलने की, बोल तो सभी लेते हैं लेकिन बहुत अच्छे ढंग से बोलकर प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर लेते हैं, इसलिए वो बेस्ट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का छठवां पॉइंट जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा अमोघ अस्त्र, वो है राइटिंग स्किल की। जी हाँ, काफी लोग के दिमाग में चलता बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ वो बयां नहीं कर पाते, शब्दों में बोल नहीं पाते, तो क्या करें, लिख लीजिए सरकार, सबको आपका है इंतजार। कैसे लिख लीजिए दोस्तों? आज के समय पे ब्लॉगिंग, इवन टेक्निकल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो ब्लॉग लिखना या फिर दूसरों को अपने कंटेंट देना, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। और अगर आपके दिमाग में भी आते बहुत सारे आइडियाज और आप भी हैं लिखने के बहुत शौकीन, तो भूलिएगा मत मेरा ये 6 पॉइंट कि आप उस पर काम कीजिए, आप अपनी कंटेंट राइटिंग पे काम कीजिए, आप अपना पर्सनल ब्लॉग चैनल बनाइए या फिर आप अपने पर्सनल ब्लॉग्स लिखिए और लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता बहुत सारे लोगों को आपकी चीजें, आपकी लिखी गई चीजें या फिर आपकी बोली गई चीजें पसंद आने लगे। मेरे साथ इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहने के लिए, और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो एकदम ना मिस करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं सेल्स की एक ऐसी अमोघ अस्त्र, सेल्स का एक ऐसा जबरदस्त टेक्निक जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो भूलिएगा मत मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना और इस वीडियो में बने रहने के लिए, और नीचे कमेंट करके और नीचे दिए गए लिंक पे अपने बच्चे का या फिर अपने दोस्त का नाम फिल करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। भूलिएगा मत मेरे साथ कनेक्ट होना, मैं सुकांत मिश्रा आपको देता रहूंगा लगातार बिजनेस की फ्री लेसन्स, एकदम फ्री लेसन्स, जहां पे आप अपने बिजनेस के और अपने करियर को क्रिएट करते रहेंगे मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।